हम मुंबई से आए, हम मुंबई से आए, हम मुंबई से आए। इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं बरेली के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमित खन्ना। और आपको बता दें, त्योहार के मौके पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई के रेमंड्स डीलर ने शाहजहांपुर बच्चन क्लॉथ हाउस, जो कि बरसों पुरानी दुकान है, सदर बाजार क्षेत्र में लाल इमली के चौराहे पर बच्चन क्लॉथ हाउस, काफी मशहूर दुकान है, काफी पुरानी दुकान है, लेकिन इस दुकान पर घोटाला, नकली रेमंड्स का कपड़ा बिकता था। विस्तार से बताएंगी हमारी सहयोगी रिंकी मिश्रा, किस तरीके से क्या कुछ हुआ। हमारी टीम में हम लोग तीन लोग है टोटल। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब गफूर मेमन, दूसरे है हमारे साथ में राजेश गणपत पई और मोहम्मद सलीम खान। हम मुंबई से आए और इस तरीके से पहचान नहीं सकती है कि असली रेमंड नहीं है। उन्हें एक काम करना है, मेरी दरख्वास्त है सभी जनता से, लोकल जो है उन्होंने, कि जो ऑथर है शोरूम्स होते हैं कंपनी के, उनसे उनके थ्रू ही परचेजिंग की जाए। इसे लोकल जो दुकानदार होते हैं जिन्हें ऑथराइज नहीं किया जाता कंपनी थ्रू, उनसे आप खरीदी नहीं करें। हम मुंबई से आए, हम मुंबई से आए, हम मुंबई से आए। रिमर्स कंपनी के डुप्लीकेट कपड़े बेचने वाले दुकानदारों पर मुंबई से आई टीम ने की छापेमारी। भारी संख्या में नकली गारमेंट्स बरामद होने से मचा हड़कंप। अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक रखते हैं तो खबर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। जी हां, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पिछले कई दिनों से मुंबई से आई एक बड़ी कंपनी की टीम, जांच टीम ने शहर में सबसे पहले उन दुकानों को चिन्हित किया जहां कंपनी के नाम का डुप्लीकेट कपड़ा बेचा जा रहा है। यही नहीं, कंपनी की टीम ने उन दुकानों से वह कपड़ा खरीद कर उसकी जांच कराई। जांच में जब कपड़ा नकली पाया गया तो टीम ने कोतवाली सदर बाजार में इसकी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस की मदद से चिन्हित दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली कपड़ा बरामद किया है। जी हां, दरअसल यूपी के शाहजहांपुर में रेमंड्स नाम की बड़ी कंपनी का डुप्लीकेट कपड़ा बेचा जा रहा था, जिसकी जांच करने आई कंपनी के आकिफ गफूर मेमन ने मीडिया को बताया कि उन्होंने कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के लाल इमली चौराहा स्थित बच्चन क्लॉथ हाउस, जन्नत फैब्रिक व गुडविल फैब्रिक शॉप पर छापेमारी की है, जहां से उन्होंने पुलिस की मदद से रेमंड्स कंपनी के डुप्लीकेट कपड़े भी बरामद किए हैं। तो वही तहरीर के आधार पर पुलिस अब तीनों दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। बहरहाल यूपी का शाहजहांपुर बड़ी बड़ी कंपनियों के डुप्लीकेट ब्रांड बेचने का हब बनता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले शहर की चूड़ी वाली गली में लैक्मे नाम की बड़ी कंपनी की डुप्लीकेट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बरामद किए थे। इसलिए आप जब भी ब्रांडेड कंपनी के कपड़े आप खरीदने जा रहे हो या कोई और प्रोडक्ट, तो केवल ऑथराइज्ड शोरूम से ही खरीदें। शाहजहांपुर में इमली चौक चौराहा पर तीन दुकानों पर छापामारी की गई है, जहाँ पे रेमंड के नाम से नकली कपड़ा बेचा जा रहा था। दुकान का नाम है बच्चन क्लॉथ हाउस, गुडविल फैब्रिक्स और जन्नत फैब्रिक्स। कुल मिलाकर तीनों दुकान में तकरीबन हमें 40 थान मिली है, 4 कॉम्बो पैक्स मिले हैं, जिन्हें हमें थाने ले आए हैं। अब इन पे इनको सीज कर इनकी आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। असली रेमंड्स और ये नकली रेमंड्स क्या फर्क है, कैसे जानकारी उसका? असली रेमंड नकली रेमंड में बहुत ज़्यादा अंतर है। हमें इसकी ट्रेनिंग दी गई, हम एक्सपर्ट है कंपनी के थ्रू, और इसकी असली जो वो है रिजल्ट, वो जांच पड़ताल होके आने के बाद आपको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आ जाएगी, जो साबित कर देगी कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। कस्टमर इस तरीके से पहचान नहीं सकती है कि असली रेमंड नहीं है। उन्हें एक काम करना है, मेरी दरख्वास्त है सभी जनता से, लोकल जो है उन्होंने, कि जो ऑथर है शोरूम्स होते हैं कंपनी के, उनसे उनके थ्रू ही परचेजिंग की जाए। इसे लोकल जो दुकानदार होते हैं जिन्हें ऑथराइज नहीं किया जाता कंपनी थ्रू, उनसे आप खरीदी नहीं करें। तो इनके खिलाफ क्या तहरीर दी है? हमने इनके खिलाफ तहरीर दी है। अब इनके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, इनका मामला दर्ज किया जाएगा और आगे तक जांच पड़ताल करके हम साबित करना कोशिश करेंगे कि कौन है इसके पीछे जो ये सब चीजें कर रहा है। टीम में आप अपना परिचय और अपने लोगों का परिचय? हमारे टीम में हम लोग तीन लोग है टोटल। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब गफूर मेमन, दूसरे है हमारे साथ में राजेश गणपत पई और मोहम्मद सलीम खान। हम मुंबई से आए।
If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.